सही है ना। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे क्राउड फंडिंग सिस्टम चालू किया कि यहाँ नेटवर्क बनाना चालू किया। अभी जब नेटवर्क की हम बात करते हैं आदमी जोड़ने की, तो यहाँ भी सारा ट्विस्ट आ गया। यहाँ क्यों ट्विस्ट आ गया कि आज से पहले जितनी कंपनियाँ चली कि आप 10,000 रुपये दे दीजिए, आपको हम 30,000 दे देंगे, 15,000 दे देंगे, आपको दुगना मिलेगा, आपको तिगना मिलेगा, तो यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। सही है कि नहीं। और ऐसी ढेर सारी कंपनियाँ आई और ढेर सारी चली गई और अभी भी मार्केट में चल रही है। तो लोगों का यहाँ भी भरोसा टूट गया कि मैं अगर बोलूँ किसी को कि शुक्ला जी मेरे को 10,000 दे दीजिए, मैं आपको दोगुना पैसा दे दूंगा, तो शुक्ला जी क्यों भरोसा करें जी मेरे ऊपर? और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया कि एक बंदा हमारे सिस्टम में जुड़ने के लिए 1,000 रुपये देगा, वो भी 1,000 हमारी कंपनी को नहीं देगा, जो उसको सिस्टम में लेकर आएगा उसको देगा और वो पैसा अपने जेब में रख लेगा। यानी कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आया, यानी हमारे पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या था, कंपनियों के अंदर लोग जोड़ते थे। दूसरी चीज़, जब लोग जोड़ते थे तो एक आदमी का मान लीजिए 50 लोगों का और 100 लोगों का ग्रुप बन गया, अब इसके बाद आधे मिलने बंद हो जाएंगे, बंद होंगे ना। मेरा जैसे 200 लोगों को जाता हूँ, 200 को जोड़ सकता हूँ, बाकी किसको जोड़ूँ? तब ग्रुप मिलना बंद हो जाएगा, क्या इनकम बंद हो जाएगी। जब इनकम बंद हो जाएगी तो क्या करे बंदा? फिर वो बेचारा कोई बोलेगा नहीं यार इन कंपनियों में नहीं जाना चाहिए, इनमें नहीं जाना चाहिए, बेकार है, मैं भी जुड़ा था। तो यहाँ भी उसका बेचारेगा चला गया। ये काम भी बहुत सारी कंपनियों ने पहले कर लिया, तो ये भी साला मार्केट में गड़बड़ हो गया। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बनाया सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, डायमंड और स्टार डायमंड की पोस्ट बनाई। पोस्ट बनाने के बाद में बंदे ने सिल्वर बना, गोल्ड बना। जैसे वो गोल्ड बनता है, गोल्ड बनने के बाद में 10 बंदों को एसोसिएट और करवाता है अपने कंपनी में, तो सारे जितने भी गोल्ड बनते जाएंगे कंपनी चलेगी हिंदुस्तान में, वो उसके डाउन में आते जाएंगे। इसके लिए उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये काम कंपनी करेगी, इसके लिए भी उससे कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी अपने प्रॉफिट में से इस बंदे को पैसा देगी। वो इसलिए देगी क्योंकि ये बंदे की वजह से तो कंपनी है भाई। पहले ये बंदा आया, जब चला इसकी वजह से तो है ना कंपनी, तो यहाँ दे दिया। अभी दूसरा प्लान हो गया। अभी तीसरा प्लान, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी आदमी जुड़ने बंद हो गए तो भी मान लो दूसरे इलाके में जुड़ने बंद हो गए, फिर क्या करेंगे साले? फिर कंपनी बंद हो जाएगी, फिर पहले भी कंपनियां बंद हुई, अब क्या करें? ये भी समस्या मार्केट में है। तब हमने क्या किया कि किरियाना की जो नॉर्मल दुकानें हैं उनको जोड़ना चालू कर दिया, किरियाना की नॉर्मल दुकानों को जोड़ना चालू कर दिया। उस किरियाना की दुकान में हमारा जो ग्रुप के लोग हमारे आईडी नंबर से हैं उस दुकान से सामान खरीदेंगे, वो दुकान में हमारा परसेंटेज जो भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा हम उसको देंगे, बिकेगा, उसमें से जो मार्जिन आएगा वो मार्जिन पूरा का पूरा टीम में एक सिस्टम में जितने भी सिल्वर रहेंगे उनका 10% अकाउंट में चला जाएगा, जितने गोल्ड रहेंगे उनके 15% चला जाएगा, जितने पर्ल रहेंगे उनको 20% चला जाएगा, 17% चला जाएगा, डायमंड को 20% चला जाएगा और स्टार डायमंड को 25% चला जाएगा और 3% पैसा उसको जाएगा जो कंपनी के लिए मीटिंग और सेमिनार करके पूरे हिंदुस्तान में घूमेगा। भैया जो बंदा है कि मैं फुल टाइम यही कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं मीटिंग करता हूँ, आपके 10 आदमियों को समझाने जाता हूँ, तो खर्चा लगेगा जी, तो खर्चा चाहिए उस बंदे को, तो कंपनी के टर्नओवर से 3% पैसा निकालेंगे और ये उन बंदों के खाते को दे देंगे क्योंकि उन पे भी वजन नहीं पड़े। तो ये 90% पैसा यहाँ बांट दिया जाएगा, 10% पैसा हम हमारे पास रखेंगे, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अगर वगैरह इस 10% पैसे से हम चलाने वाले हैं, ये पैसा किसी को भी वापस देने वाले नहीं है। तो यहाँ भी हम सेफ साइड हो गए। तो पहले ग्रुप बना, ऑटो इनकम आई। जब ये ग्रुप बना तो ये किरियाना का सामान हम खरीदने वाले आज भी खरीदते हैं, कल भी खरीदते हैं, ये खरीदेंगे, यहाँ से पैसा आएगा। अब जो पहला प्लान है उसके अंदर हम बोलते हैं कि 40 करोड़ रुपये आएगा। अब ये 40 करोड़ कैसे आएगा? पहले बंदा जुड़ा, जैसे ही वो दो बंदे जोड़ता है उसको 1,000 रुपया जाएगा, यानी उसने 1,000 लगाया उसको 1,000 आ गया, कुछ भी नहीं गया उसका वहाँ पे। जब ये बंदा जब ये बंदा सिल्वर बनता है तब इसको 4,000 आता है, 2,000 अपने सीनियर को दे देता है, 2,000 अपने पास रख लेता है, पैसा इसका यहाँ खत्म हो गया जो लगा था, उसके बाद कोई पैसा लगाना नहीं है। जब ये बंदा गोल्ड बन जाता है और इसके नीचे जब गोल्ड बनते हैं तो इसको 1,28,000 रुपये आता है, इसको 1,00,000 अपने पास रख लेना है, 28,000 अपने सीनियर को दे देना है। अब जैसे ये सीनियर को दे देता है तो ये पर्ल बन जाता है,
अब जब ये परल बन जाता है तो परल लेवल पे इसको आता है 896,000 रुपये नीचे से। 896,000 रुपये क्या करना है, 596,000 रख लेना है, 3,00,000 रुपये सीनियर को दे देना है। अब 3,00,000 रुपये सीनियर को दे दिया, फिर ये बन जाता है डायमंड। जब ये डायमंड बनता है तो इसके पास आता है 1,96,00,000 रुपये। 1,96,00,000 में इसको 30,00,000 रुपये सीनियर को दे देना है, बाकी अपने पास रख लेना है। उसके बाद ये स्टार डायमंड बनता है तो जब ये 30-30 लाख रुपए नीचे से आप हमने दिया तो हमें कोई देगा तो वैसे ही देगा, ये 38 करोड़ आएगा, ये किसी को भी देना नहीं है, ये किसी को नहीं देना है। अब बात आ गई कि सारा का सारा पैसा कंपनी बांट रही है तो कंपनी क्या कमाएगी, कंपनी पूरे टर्नओवर में से 10% रखेगी, वो भी पैसा सिर्फ 10% लेगी, बाकी पैसे को हाथ ही नहीं लगाते हैं। जैसे 1,000 मार्केट से आया उस पैसे को हम छूते ही नहीं है, क्योंकि आज तक जितनी भी कंपनी आई वो पूरा पैसा लिया और भाग गई। और मैं भी इस सिस्टम में हर स्टेज के ऊपर जितने सेमिनार में बोलता हूँ, आपके पास 1,000 आया, मेरा जो 100 रुपये हक है वो 100 रुपये ही मेरे खाते में आएगा, 900 रुपये मेरे को लेना ही नहीं है, क्योंकि 900 रुपये लेके हो सकता है मेरी नीयत खराब हो जाए भाई, 900 रुपये करके मान लो 10-15 करोड़ आ जाए, हो सकता है नीयत खराब हो जाए, सही गलत शर्मा जी। तो मैं अगर भाग गया तो इस पब्लिक का क्या होगा, तो हमने बहुत क्वेश्चन भी रखा, हमने 10% लिया, वो 10% कभी भी जिंदगी में वापस देने वाले नहीं है, यानी कि हमारी कंपनी में जो पैसा आ गया वो वहीं जमा हो जाएगा, बाकी पब्लिक के पास जो पैसा है अपना पैसा, ये पूरा प्लान तैयार किया।